आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन तथा मित्तल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आज रविवार को पुलिस लाइन में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक पूर्णतः निशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक और मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता ने बताया कि शिविर में कुल 223 लोग लाभान्वित हुए और सभी मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर एस सी मित्तल, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर हिमांशु सक्सेना, डॉक्टर चारू जौहरी, डॉक्टर माधवी कुंदनानी और डॉक्टर अनिल गुप्ता सहित डॉक्टर दीपक गर्ग और डॉक्टर कमल खत्री, डॉक्टर कनिका मेहता ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता ने बताया कि यहां पुलिस कर्मियों की ब्लड शुगर और बीपी के साथ साथ आंखों और वजन इत्यादि की जांच भी की गई। पुलिस लाइन में हमारे जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं श्री राहुल प्रकाश जी, उनका मन था कि एक पुलिस लाइन में हमारे जो जवान हैं उनके स्वास्थ्य के लिए एक शिविर लगाएं और बहुत अच्छी सोच है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसपी साहब को कि उन्होंने अपने जवानों के लिए ये सोच रखी कि वो स्वस्थ रहें और हमें अवसर दिया। और हमारे सारे चिकित्सक जिसमें डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर चारू, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर अनिल, जो हमारे सारे विशेष डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर कनिका, सारी स्पेशलिटी जो हमारी थी वो सब लोगों ने, जैसे चाहे ऑर्थोपेडिशियन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे आई स्पेशलिस्ट हो, और हमारे जो गिरीश जी हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके शिविर संयोजक थे, उन्होंने पूरे इंतजाम किया था हमारे सभी लोगों के लिए, जो दवाइयों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ दी। 220 के करीब वहाँ पर जो हमारे जवान जिसमें महिलाएँ पुरुष दोनों थे उनकी जाँच की गई, जिसमें ब्लड शुगर निःशुल्क की गई, दवा निःशुल्क दी गई। और बहुत अच्छा ये अवसर था कि हमारे जवान काफ़ी फिट थे पर फिर भी जो कुछ बसों को ब्लड प्रेशर था, बसों को डायबिटीज़ थी, वो उनको इमीजिएटली हमने उनको ट्रीट किया। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की सेवा भाव जो है ना वो हमारे एसपी साहब रखते हैं अपने जवानों के लिए और हमको अवसर देते हैं, इस तरह के अवसर हमको और मिलते रहें और हम इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ, हमारे पुलिस के सभी जवानों को जो हमारे इसके अपने जिले की और राज्य की एक तरह से सुरक्षा रखते हैं, और यदि वो फिट रहेंगे तो बहुत अच्छे से वो सुरक्षा कर पाएंगे।